हेलो नमस्ते, माय नेम इज अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स के टेक्निकल ट्यूसडे। आज हम बात करने वाले हैं एक और पेन पॉइंट के बारे में, जिसको देखो वो इसकी है ना वो करता रहता है, शिकायत करता रहता है। अरे मतलब टॉयलेट की नहीं, लिटिल फिंगर की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी लिटिल फिंगर को अलग अलग एक्सरसाइजेस के माध्यम से थोड़ा सा और इजीली काम पे लगा सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको हो सकता है आपकी लिटिल फिंगर की मुश्किलों से छुटकारा दिलाएं। चलिए शुरू करते हैं लिटिल फिंगर को अच्छे से यूज करें। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं ये दो फिंगर्स, जो हमारी लिटिल फिंगर है और जो हमारी रिंग फिंगर है। देखिए, इन दोनों फिंगर्स का जो बेस कोर स्ट्रक्चर है ना यहाँ का, वो वैसा नहीं है जैसा यहाँ का होता है। इन दोनों फिंगर्स का ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए बनी होती है, ये उतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए नहीं बनी होती, बट एज ए गिटारिस्ट हमें तो चाहिए, तो कैसे लेंगे। देखो, हम यूज़ करने वाले हैं वन फ्रेट नंबर वन और फ्रेट नंबर टू, और हम लोग मूव करेंगे ऐसे ऊपर। तो पहले तो आप बिना बजाए ये मूवमेंट का प्रैक्टिस करेंगे, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर एक स्टेप ऊपर, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर। Okay, then you can go backward, little ring, little ring, little ring, little ring, little ring, little ring, ठीक है, tongue twister हो गया। अब धीरे धीरे बजाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है आपको दिक्कत आए, बहुत पेन हो, आपको ये लगेगा कि इस आदमी की तो अजीब सी लंबी लंबी फिंगर्स हैं, ये आराम से कर पा रहा है, हमसे तो ये हो नहीं रहा, आपसे भी होगा। थोड़ा सा मसल्स को पुश होने के लिए टाइम दीजिए, बार बार में कोशिश कीजिए, इट कैन ईजिली बी डन। एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो लिटिल फिंगर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करने के लिए आप कर सकते हैं। देखिए, जो पहली एक्सरसाइज थी वो थी इस फिंगर के मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, उनको मूवमेंट मिलाने के लिए। अब ये जो दूसरी एक्सरसाइज है ये है इसके फिंगर्स का स्टैमिना बनाने के लिए, कि थके नहीं ये फिंगर और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हम पहले चार फ्रेट्स यूज़ करेंगे और ये अल्टीमेटली आपके चारों फिंगर्स को ही बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये वाली एक्सरसाइज। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल बी प्लेइंग 1 4 2 4 3 4, हर अल्टरनेट जो नोट है वो 4 होना चाहिए। सो 1 4 2 4 3 4, नाउ चेंज योर स्ट्रिंग टू 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4। ठीक है, नो डाउट जब आप शुरू में प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा पेन होगा, थोड़ी सी झुंझलाहट भी होगी कि हमारी फिंगर तो काम ही नहीं कर रही है, बट जब 3-4 दिन तक लगातार आप ट्राई करेंगे तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो नहीं भूलिएगा कोई भी लेसन मिस करना, अगर भूल गए मिस करना तो मिस कर जाएंगे और फिर सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने टोटली उल्टा बोल दिया है। ऑल आई वॉन्ट टू से कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड यू नो क्लिक द बेल आइकन, क्योंकि अब वीक के 2 वीडियोज हैं, सैटरडे का भी वीडियो है जो सॉन्ग का होता है, ट्यूजडे का वीडियो है जो किसी टेक्निकल पॉइंट का होता है, तो मिस कर गए तो फिर बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू सून।